चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं को जोश देने, ज्यादा से ज्यादा वोटरों को अपने पक्ष में करने के इरादे से राहुल गांधी इलाके का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। हरिद्वार में राहुल गांधी ने लोगों से जमकर वादे किए। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार आती है तो हम राज्य में 4 लाख नौकरियां देंगे, 5 लाख गरीब परिवारों को हर साल 40,000 रुपए उनके बैंक खाते में डलवाएंगे, हम एम्बुलेंस, मोटरसाइकिल और ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को आपके घर तक पहुंचाएंगे। सभा के भाषण में मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार दो हिंदुस्तान बना रही है, एक हिंदुस्तान अरबपतियों का, प्राइवेट हवाई जहाज का, मर्सिडीज गाड़ी का, चुने हुए लोगों का हिंदुस्तान, उसमें 5, 10, 15 अरबपति हैं, और दूसरा हिंदुस्तान करोड़ों लोगों का, गरीब बेरोजगार हिंदुस्तान। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, आप इस बात से सहमत हो, मानते हो इस बात को? अमीर हिंदुस्तान में जो भी आपको चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, पोर्ट चाहिए, कोई भी बिजनेस चाहिए, आप ले सकते हो, मगर अरबपति होना पड़ेगा। अगर अरबपति नहीं हो